वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. तो डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की आज लास्ट क्लासेस है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं कि अगर आपके पास में क्वेश्चन आएगा तो उसमें से एक दो तीन चार चीजें पूछेगा, कम से कम 3-3 मार्क्स का ईच होगा, और 5 चीजें पूछ लेगा आपसे. तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. ये मत सोचिएगा कि एक क्वेश्चन आपका कोई आएगा वही अकेला ही 15 मार्क्स का हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है. क्वेश्चन कहने को एक होता है, उसमें से 4 से 5 अलग अलग चीजें आपको डाल करके वो पूछते हैं. तो बेसिकली अगर आपके 5 क्वेश्चन भी आपके पेपर में अटेम्प्ट करना है आपको, तो हर एक में आप मान के चलिए 5 चीजें पूछ ही रहा है, तो 25 क्वेश्चन हो गया. यही तो बच्चों की गलत फहमी होती है कि बच्चे 5 क्वेश्चन लेकर के बहुत ईजी ले लेते हैं अपनी बीकॉम को. ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको 25 क्वेश्चन अल्टीमेट अटेम्प्ट करना ही पड़ जाता है. तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं इसको. पहले तो कुछ बेसिक चीजें पूछ रहा है, एक एक क्वेश्चन का सबका आंसर लेंगे. कह रहा है एम परचेज अ हाउस पेइंग द 5 लाख रुपीज डाउन पेमेंट. तो बच्चे सबसे पहले डाउन पेमेंट कितना गया? देखिएगा, डाउन पेमेंट आपका 5 लाख रुपीज किया, ये तो उसने दे दिया स्टार्टिंग में, लेकिन इसको देने के बाद भी बात खत्म नहीं हुई. उसके बाद जो बाकी पैसा नहीं दे पाया उसकी इंस्टॉलमेंट बन गई है 20,000 रुपीज की आपके एवरी 3 मंथ में. इंस्टॉलमेंट बनी बच्चे आपके 20,000 रुपीज की बन गई एवरी 3 मंथ में फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर. टाइम 10 ईयर. क्लियर है बच्चे? द सेलर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6%. आर 6% है तो आई क्या होगा? अभी तो देखेंगे, अभी सबका हिसाब करेंगे. पर एनम कंपाउंड क्वार्टरली व्हाट वाज द कैश प्राइस ऑफ द हाउस. ये लास्ट क्लास में सिखाया था ना आपको मैंने कि कैश प्राइस ऑफ द हाउस मतलब कि ये है कि अगर सारा का सारा वो कैश में सारी पेमेंट उसी समय कर देता तो उसको कितने का पड़ता. जाहिर सी बात है किस्तों पे लेने से चीजें महंगी पड़ती है, क्योंकि उस किस्तों में ब्याज भी शामिल हो जाता है. अगर आप सबको स्टार्टिंग में पे कर दोगे तो कोई भी इंटरेस्ट आपको पे नहीं करना पड़ेगा. तो आइए देखते हैं कि आपको क्या रहेगा. सबसे पहले आपके लिए क्या है, पहले आप यहाँ पे एम की वैल्यू निकालो. जब एक साल के अंदर अंदर किसी ड्यूरेशन में पेमेंट करे तो एम कैलकुलेट होता है वहां पर. 12 फिक्स होता है, और कितने टाइम में आपका जो टाइम इंटरवल क्या है, 3 मंथ है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो एम इक्वल्स टू क्या है, 4. एम इक्वल्स टू 4 आया तो यहां पर आप एन निकालेंगे. एन क्या होता है, एम इंटू टी. क्लियर है? एम क्या आपका 4 और आपके पास में टी क्या है, 10. तो ये तो बच्चे 40 हो गया एन. और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या, 6/4. क्लियर है बच्चे? फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास में आई के फॉर्म में क्या है, ये 0.06 और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा आपका. सॉल्व करते हैं, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 0.015. क्लियर है? अब आप यहां पर निकालते हैं कैश प्राइस. कैश प्राइस क्या होगा, डाउन पेमेंट मतलब कि जो पैसा दिया है आपने वो भी तो उसकी कीमत है, और प्लस में जो आपके पास है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये क्या चीजें जो बच्चे कैश में कितना पड़ेगा, जो डाउन पेमेंट दिया वो, प्लस में जितने भी आपने इंस्टॉलमेंट पे करी है सबसे इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दो, तो वो पैसा जो कि मुझे उसको देना था ये वो आ जाएगा. तो टोटल कर देंगे तो इसके जो है कैश प्राइस आ जाएगा. कैलकुलेट करेंगे, डाउन पेमेंट तो पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ निकालते हैं. पी इक्वल्स टू आर ए एन एन आई, जो कि क्या होने वाला है आपके पास में, आपका आर क्या है, 20,000 है. ठीक है बच्चे, ये क्लियर है आपको? उसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लिख देता हूं मैं.
आर इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर -n अपॉन आई दिस वन। पी इक्वल्स टू आर, आर क्या आपके पास में 20,000, 1 माइनस 1 प्लस आई 1.015 -40 अपॉन 0.015। चलो आगे सॉल्व करते हैं। P इक्वल्स टू 20,000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.015 रेज टू पावर 40 अपॉन 0.015 दिस वन, ठीक है। एंड P इक्वल्स टू 20,000 1 माइनस 1 अपॉन 1.015 इंटू इक्वल्स टू 1.41401.84। ठीक है बच्चे, सॉल्व करते हैं। आ गया प्रिंसिपल इक्वल्स टू 20,000 1 माइनस 1 अपॉन 1.81401.84 0.551.26.23 अपॉन 0.015 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20,000 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.551.26.23। तो क्या आया आपका 0.448777 0.015 पी इक्वल्स टू 20,000 डिवाइडेड बाय 0.015। सॉल्व करते हैं 29.915846 इंटू 20,000। तो आपके पास में बच्चे आया 598316। तो 5,98,316.93 रुपीज़। तो आपके पास में कैश प्राइस क्या है इसका? कैश प्राइस अगर लेंगे तो इसमें 5 लाख रुपीज आपका डाउन पेमेंट प्लस 5,98,316.93 ऐड करेंगे तो ऐड 5 लाख रुपीज। तो आपके पास में कैश प्राइस जो इसका आता है वो कैश प्राइस आपका आएगा 1,098,383.16.933, ये इसका कैश प्राइस आ गया। क्लियर है बच्चे? ये क्या आ गया इसका?
कैश प्राइस आ गया। तो ये तो मैंने लास्ट क्लास में समझाया हुआ था आपको, कैश प्राइस क्या होता है आपका। ठीक है बच्चे, चलिए इसी का नेक्स्ट पार्ट करें। चलो पार्ट वन समझ में आ गया, ये ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस हो चुका है, प्रेजेंट वैल्यू और कैश प्राइस निकालना। इफ एम मिस द फर्स्ट 12 पेमेंट्स, व्हाट मस्ट ही पे एट द टाइम द 30th इज ड्यू टू ब्रिंग हिम टू अप टू डेट। मतलब 12 पेमेंट वो क्या कर चुका है, 12 पेमेंट मिस कर दिया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं पहला पेमेंट मेरा 20,000 का जाना था, मैंने मिस कर दिया, तो मुझे जो दे देता तो दे देता, नहीं तो मुझे उसमें ब्याज देना पड़ेगा। इसी तरीके से 12 पेमेंट मैंने मिस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20,000 रुपए पर सब पे पहले 20,000 रुपए भी ब्याज जाएगा, अगले 20,000 ब्याज जाएगा, अगले 20,000 पे भी ब्याज जाएगा। और मैं थर्ड अगर मैं 12 पेमेंट मिस करा है तो मैं पेमेंट करने कब जा रहा हूं, मैं 30th पे जा रहा हूं, तो यहां पे n इक्वल टू 13 यूज होगा। क्लियर है बच्चे, जब एनुटी स्टार्ट किया था तो आपको पता था लाइक जैसे आरडी जमा कर रहे हैं तो पहले वाले पे इतना मिलेगा, दूसरे पे इतने महीने का मिलेगा, तीसरे पे इतने टाइम का मिलेगा, चौथे पे इतने टाइम का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा बैंक में। वो ऐसा नहीं कि वो सभी पर दे देगा, लास्ट में अगर आप जमा कर रहे हो किस्त तो उस पर फिर लास्ट में आपको ये नहीं कि स्टार्टिंग सबका सारा इंटरेस्ट पे करेगा। तो इसी तरीके से वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी का ही कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, और कुछ भी नया नहीं है। तो बस एन की जगह क्या यूज करोगे आप, 13, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्याज उन पे पे करना पड़ेगा, ब्याज से एक्सक्लूड नहीं करना, और ब्याज आपको उसमें इंक्लूड करना है। तो सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर मेरे पास में आर इक्वल्स टू क्या है, 20,000 है, आई इक्वल्स टू क्या है बच्चे, 0.0, आई क्या था हमारा, पॉइंट 06 डिवाइडेड बाय 4, 0.015 आई है, या एन इक्वल्स टू 13 यूज करेंगे और इसका हम फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे, मींस एस इक्वल्स टू आर एस एन आई। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, इसमें फॉर्मूला होगा आपके पास में 1 प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आई, सिंपल। तो एस इक्वल्स टू 20,000 1.015 रेज टू पावर 13 माइनस 1 अपॉन 0.015। सॉल्व करते हैं, एस इक्वल्स टू 20,000 0.015 इंटू 1.015 इंटू इक्वल्स टू 14 टाइम्स ना माइनस 1 डिवाइडेड बाय, मैं सारे कर देता हूं, माइनस 1 करके क्या आया, 0.213552443 सारा लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, 0.015 जब कैलकुलेटर कर रहा है तो हमें इसी क्या चिंता। 20,000 डिवाइडेड बाय 0.015 इंटू 14.236829 इंटू 20,000। तो मुझे अब उसको 30th पेमेंट जो है 284736.59, तो 2,84,736.59 पैसा ये मुझे उसको अब पेमेंट करना पड़ेगा, जिससे कि अभी तक का जो बाकी बकाया था उसको निपटाया जा सके। ठीक है बच्चे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड,
चलो थर्ड आप ट्राई करो जरा इसमें। हाँ अब क्वेश्चन क्या है बच्चे, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आफ्टर मेकिंग एट पेमेंट्स एंड विशेष टू डिस्चार्ज हिज रिमेनिंग बाय अ सिंगल पेमेंट एट द टाइम ऑफ द 19th रेगुलर पेमेंट वॉज ड्यू, बट मस्ट बी पे द एडिशनल टू रेगुलर पेमेंट। क्वेश्चन क्या सुन माया बच्चे, क्वेश्चन ये है कि वो अपने आठ क्वेश्चन में थर्ड है, समझिए अपना जो है बच्चे वो एट द एंड पेमेंट कर रहे हैं। आठ पेमेंट करा उसने, फर्स्ट पेमेंट किया, सेकंड किया, थर्ड, फोर्थ पेमेंट, फिफ्थ पेमेंट, सिक्स पेमेंट, सेवन पेमेंट एंड एट पेमेंट। अब वो सोच रहा है कि नाइन्थ जो पेमेंट है ना, नाइन्थ पेमेंट में वो कितना पे करे जो कि वो पूरा फ्री हो जाए अपने डेब्ट से। तो बच्चे जो नाइन्थ पेमेंट वो कितना पे करे पूरे डेब्ट से फ्री हो जाए, तो एक बात समझ लीजिएगा कि कुल मिलाकर के आपके पास में एन इक्वल्स टू क्या था, एन इक्वल्स टू आपका 40 था। क्लियर है, समझ में आया आपको, एन इक्वल्स टू क्या आपका 40। तो आप जो है नाइन्थ पेमेंट तक तो आप करेंगे करेंगे, क्योंकि नाइन्थ में पेमेंट में जाकर पूरी पेमेंट कर रहे हैं। नाइन्थ में पेमेंट में कितना पे करें, एडिशनल कितना पे करें वो बात कर रहा है, ये नहीं कह रहा कि नाइन्थ पेमेंट कितना करें जो कि पूरा फ्री हो जाए। नाइन्थ में एडिशनल कितना पे करें, तो पहले नाइन्थ वाला तो पे कर ही दो आप। अब एडिशनल क्या पे करोगे, नाइन्थ वाली किस्त भी आपकी 20,000 रुपए की जाएगी, कर दिया जो उसकी जो रेगुलर इंस्टॉलमेंट थी पे कर दो भैया 9,20,000 रुपए। अब बाकी और क्या पे करूं जिससे मैं फ्री हो जाऊं, तो बाकी और क्या पे करूं जिससे मैं फ्री हो जाऊं, तो जो अगले 31 महीने की पेमेंट बच रही है उस सबको पे कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि 20,000 मल्टीप्लाई में आप 31 कर दोगे, कि 40 मंथ का आपका इंस्टॉलमेंट था, 8 महीने आप भर चुके, 9वें महीने में क्या पे करो जो फ्री हो जाओ, ये नहीं पूछ रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपसे नहीं पूछ रहा है, 9वें महीने में एडिशनल क्या पे करो। तो पहले 9वें महीने वाला पे कर ही दो भैया। अब देखो आपको एडिशनल क्या पे करना पड़ेगा, तो 9 महीने तक का तो इंस्टॉलमेंट बिल्कुल प्यार से जाने दिया आपने, उसके बाद 40 महीने से अभी 31 महीने का इंस्टॉलमेंट आपका बच रहा है। तो 31 महीने का इंस्टॉलमेंट को आप 20,000 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि भाई इतना खत्म कर दो। अरे भाई जब 31 आने वाले 31 महीने का पेमेंट आप पहले ही कर रहे हो तो क्यों इंटरेस्ट पे करोगे उस पर आप, बात समझ में आई आपको। तो उन सबसे इंटरेस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। तो आपको यहां पर आपका आई तो यही यूज होगा 0.015, ठीक है। एन इक्वल्स टू आपके पास में 9 माइनस करके आपका एन यूज होगा 31। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना आपने, क्लियर है, 31 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है आपको इंस्टॉलमेंट की। आर तो आपका 20,000 रुपीज है, अब उस पर क्यों ब्याज दोगे आप, इस पर आप आने वाले 31 महीने का इसका इंटरेस्ट एक्सक्लूड करो। तो आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर ए और आपके पास में एन एंड आई, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होगा इसका, आर ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन अपॉन आई दिस वन, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, आर क्या मेरा यहां पर 20,000 है, 1 माइनस 1.015 रेस टू पावर माइनस 31 अपॉन 0.015 दिस, एंड पी इक्वल्स टू 20,000, 1 माइनस 1 अपॉन 1.015 रेस टू पावर 31 अपॉन 0.015 दिस वन, पी इक्वल्स टू 20,000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.015 इंटू
6526 015, ठीक है। पी इक्वल्स टू 20,000 बच्चे, एंड वन माइनस, अब सॉल्व करेंगे, वन अपॉन 1.586526 0.630307 इतना लिख दिया, बहुत है, अपॉन में 0.015। अब P इक्वल्स टू 20,000, चलो कैलकुलेटर पे सॉल्व होने दो, अब इसको 1 माइनस 0.630307 डिवाइडेड बाय 0.015, 24.6462 इंटू 20,000 एंड दिस वन, मुझे 4,92,924 रुपीज मुझे पे कर करके और बोल देना चाहिए जी धन्यवाद बोल करके निकल जाना चाहिए, मेरा कर्जा टूट जाएगा। अगर ये बोलता, ये क्या पूछ रहा है कि एडिशनल इन नाइन्थ पेमेंट, तो ये आंसर है, नाइन्थ पेमेंट कितना करे, तो भैया नाइन्थ पेमेंट में तो आपको ये बात समझ लो कि यहाँ पे 20,000 रुपया 9वें महीने का ओवर एड कर देता मैं, क्योंकि ये तो मैंने, मेरे पैसे कौन से, 9 महीने के बाद वाले जो इंस्टॉलमेंट जाते हैं सबसे इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर दे, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकाला है, तो एडिशनल पेमेंट मुझे ये कर देना चाहिए। अगर नाइन्थ पेमेंट में एडिशनल वर्ड नहीं होता, नाइन्थ पेमेंट क्या करूं, तो दिस वन एंड प्लस 20,000 रुपीज, क्योंकि जो नाइन्थ पेमेंट में एज इंस्टॉलमेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना, उसको तो यूज कर ही लिया मैंने, ठीक है बच्चे, क्लियर है। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फोर्थ क्वेश्चन, फुल फ्लैश क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको यहां पे। इफ आई मिस्ड द फर्स्ट 10 पेमेंट्स, 10 पेमेंट मिस कर दिया, तो 11 पेमेंट पे ही मुलाकात होगी अब, ठीक है, व्हाट, 10 पेमेंट मिस कर दिया बच्चे मैंने, तो अब मैं जो भी जाऊंगा अब 11 पेमेंट पे जाऊंगा, व्हाट मस्ट ही पे व्हेन द 11th पेमेंट इज ड्यू टू डिस्चार्ज द एंटायर, तो 11 पेमेंट मुझे क्या देना चाहिए जिससे कि मैं फ्री हो जाऊं, तो पहले तो मुझे ये 10 पेमेंट मैंने मिस करा और 11वें पेमेंट पे जा रहा हूं, तो 11 ही पेमेंट आपका मेरे एक तरीके मिस हो गया, 10 ये वो, तो पहले मुझे 11 पेमेंट का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो मैंने नहीं दिया उसको, प्लस जो रिमेनिंग है आगे मैं 11वें के बाद तो मैं कर्जा लेके जाना नहीं चाहता, 11वें पे आया मैं बोला भाई कुछ बन के आया, 11 मैंने बोला भाई अपने पैसे ले लूंगे खत्म करो यार, तो 11 पेमेंट मुझे क्या दे करके अपने कर्जे से मुक्त हो जाना चाहिए, तो पहले ये जो इंस्टॉलमेंट किया उसमें मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जो 11 के बाद वाले पेमेंट्स हैं 29 पेमेंट्स हैं उससे इंटरेस्ट हटाना पड़ेगा, उसको मैं पहले पे कर रहा हूं, इसको मैं बाद में पे कर रहा हूं, समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, पेमेंट कितनी मिस करी है, 10 पेमेंट, ठीक है 11 पेमेंट की बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले R इक्वल्स टू S, मैं 11वें पेमेंट पे जा रहा हूं देने के लिए, तो मुझे 11 पेमेंट का ब्याज देना पड़ेगा, 11.015, क्लियर है, समझ में आया बच्चे, एक तो ये प्लस में मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी किसकी, 11 पेमेंट तक तो मैं पेमेंट कर ही रहा हूं, उसके बाद जो आगे के कितने N क्या है मेरा, N equals to यहां पर 40 में से जब 11 पेमेंट का विद इंटरेस्ट पे कर दिया तो बचा 29, नेक्स्ट 29 पेमेंट और जानी थी जिसको मैंने उसी टाइम पे कर दिया, तो उसमें से इंटरेस्ट एक्सक्लूड कर देता हूं, तो यहां प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी निकाल लेता हूं, P equals to आपके पास में R, ये
एस इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू आर एस एस एन आई, ठीक है बच्चे, जो कि क्या होगा, ये बाबा गड़बड़ कर रहा हूं, ठीक है चलो कोई नहीं। अब देखो यहां पे प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल रहे हैं, आर इक्वल्स टू ए दिस वन, आपके पास में यहां पर एन एन आई, तो आपके पास में आर ए, और यहां पे एन क्या यूज करोगे आप, 29 एन आई 0.015, ठीक है। यहां पर आर इक्वल्स टू आर एस, फ्यूचर वैल्यू में आर एस इक्वल्स टू आर एस आपके पास में एन आई, ठीक है। तो आर एस एन क्या यूज करोगे, 9 महीने तक का ब्याज देना पड़ेगा आपका 0.015। ये समझ में आया आपको बच्चे, क्लियर है? चलो मैं आपको डायरेक्ट कर देता हूं। तो सबसे पहले आपने क्या करना पड़ेगा, आपको 9 इंस्टॉलमेंट तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप वो इंटरेस्ट पे कैसे करेंगे, वन वन प्लस आई रेज टू पावर, मैं क्या निकाल रहा हूं, एस इक्वल्स टू आर एस आपका 9 0.015 इक्वल्स टू दिस, ठीक है बच्चे, ये निकाल रहा हूं। तो आर ब्रैकेट वन प्लस आई रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आई दिस वन, ये रहेगा बच्चे, क्लियर है? और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स टू आर ए एन एन 29 0.015, ये क्या रहेगा बच्चे, आर ब्रैकेट वन माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर माइनस एन प्रेजेंट वैल्यू में अपॉन आई दिस पर, क्लियर है बच्चे? तो यहां पर पहले जो मेरे 10 इंस्टॉलमेंट मिस हुए, नो नहीं है 10 हुए, 11 हो गई, ठीक है 11 है, एक तो सही लिखा उसके बाद हुआ तो ये सब नखरे चल रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास में क्या है, एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, मुझे जो है 9 महीने तक का जो मिस करा उसे ब्याज देना पड़ेगा, 10 महीने तक का जो मिस करा, 11 महीने में जाके मुलाकात होगी, तो 11 महीने तक का ब्याज देना पड़ेगा सारे इंस्टॉलमेंट पर, एक बात तो ये। और अगली बात क्या कि अब जो आगे वाली पेमेंट उसी टाइम दे रहा हूं, तो उसमें से मुझे ब्याज हटाना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी दिस वन एंड दिस वन। तो आप इसको ऐड करते तो आपके पास पे ये क्या, पहले एक एक करके सॉल्व कर लो आप, क्योंकि आपको दोनों ही करना है, ठीक है? तो आपके पास में दिस वन आर क्या है, 20,000, पहले एक सॉल्व कर रहा हूं मैं, ब्रैकेट वन प्लस 0.015 रेस टू पावर एन 11 माइनस वन अपॉन 0.015, ठीक है बच्चे, मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूं सीधा, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, सॉल्व करते हैं, 20,000 1.015 इंटू पावर 12 करना है आपको पहले, तो हाँ
क्या है आपका? 1.177948 9 माइनस 1 अपॉन 0.015। ट्वेंटी थाउजेंड माइनस 1 0.177948 9 20,000 आगे सॉल्व करेंगे आप डिवाइडेड बाय 0.015। इलेवन पॉइंट एट सिक्स थ्री टू सिक्स टू। ठीक है बच्चे, एंड इनटू 20,000। तो एक तो आपको ये पेमेंट करना है जो आपने पेमेंट मिस करी थी उसके बदले में, ठीक है, और एक पेमेंट आपको और करनी है, वो मैं याद दिला देता हूँ कौन सी पेमेंट, जो आप एडवांस में या पहले दे रहे हो वो पेमेंट क्या है आपका? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आर ए एन आई। तो आपके पास में यहां पर इसका फॉर्मूला आपका आर क्या है आपके पास में? 20,000 रुपीज ब्रैकेट 1 माइनस 1 प्लस 0.015 रेस टू पावर माइनस 29 अपॉन 0.015 दिस वन। क्लियर है बच्चे? थोड़ा छोटा करने की जरूरत है क्या? सॉल्व करते हैं। पी इक्वल्स टू 20,000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.015 रेज टू पावर 29 अपॉन 0.015। 20,000 वन माइनस 1 अपॉन 1.015 इंटू 1.539980 अपॉन 0.015 एंड पी इक्वल्स टू 20,000 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन 1.539980 0.649359 अपॉन 0.015 एंड पी इक्वल्स टू 20,000 1 माइनस 0.649359 डिवाइडेड बाय 0.015। सॉल्व करेंगे 23.37606। क्लियर है बच्चे? अपॉन सॉल्व करेंगे अपॉन इनटू 20,000। तो क्या है? पी इक्वल्स टू 46752 1.33। इन दोनों को ऐड कर देंगे अगर हम, क्या क्या ऐड करना है मुझे? मुझे आर इक्वल्स टू एस, एक तो ये पेमेंट जाना था, ठीक है, 9, ये 9 दिमाग में ऐसा बस गया है, 11 0.015 और एक पेमेंट आर ए का जाना था मुझे 29 का, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना था 0.015। ये टोटल पेमेंट करनी थी मुझे। तो क्या है टोटल पेमेंट? दिस वन प्लस ये और ये, इसको ऐड कर देना है ना आपको। ये पेमेंट तो इंटरेस्ट के साथ देना है, ये इंटरेस्ट निकाल के देना है, 11वें में फ्री हो जाओगे आप,
पता लगा क्यों ऐड कर रहे हो आप? ये तो इंटरेस्ट हटा करके बता दिया मैंने प्रेजेंट वैल्यू, और ये स्टार्टिंग से देना था मुझे, और ये निपटा करके ये पेमेंट करके फ्री हो जाओगे आप। भाई जो किस्त से ब्याज ही तो नहीं दोगे, बाकी तो दोगे ही पैसा, तो ये आपको देना है, ये देना है। प्लस 23,7265.24, तो सॉल्व करते हैं, 7,04786.57, तो 7,04,786 रुपीज आपको पे कर करके और कर्जे से आपको मुक्त हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आ गए? तो ये ऐसे क्वेश्चन होता है भैया, टाइम लेगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो जरूर लेगा टाइम, देख रहे हो कितना टाइम ले लिया समझाने में समझने में। लास्ट क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का। एन ऑटोमोबाइल एडवर्टाइजमेंट रीड्स नो मनी डाउन, वो कह रहा है भैया कोई डाउन पेमेंट की जरूरत नहीं है, 5,000 रुपीज पर मंथ फॉर द 30 मंथ, आप दो देते रहो, इंटरेस्ट रेट द इक्वल द 12% पर ईयरली कंपाउंडेड मंथली ऑन अनपेड बैलेंस, ठीक है। हाउ मच ऑफ द 1,50,000 टू बी पेड विल गो फॉर इंटरेस्ट एंड हाउ मच फॉर द विच इटसेल्फ। तो क्वेश्चन ये वही कह रहा है कि 1,50,000 रुपए तो डाउन पेमेंट में चीजें निपट जानी है, अगर मैं कैश में ना ले करके अगर मैं इसको किस्तों में बंधवा लूं तो फिर ये चीजें मेरे को कितने में पड़ेगी। चलिए आप ट्राई करें, फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, देन लास्ट क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। देखो बच्चे क्वेश्चन क्या है, कह रहे कि भाई एक मुझे ऑफर दिया कि भैया आपको कोई डाउन पेमेंट मत करना, प्यार से आओ हर महीने 5,000 दे जाओ और 30 महीने तक ऐसे देते रहो, तो कुल मिलाकर के आप मुझे 1,50,000 रुपए आप दे दो, बात खत्म हो जाएगी, व्हीकल आपका है। क्लियर है बच्चे? अब सवाल यह है कि अगर मैं ये किस्तों में देता रहा तो मुझे 1,50,000 का पड़ रहा है, साफ है। अगर ये मुझे इंस्टॉलमेंट ना देकर के मैं अगर मैं कैश पेमेंट कर दूं इसका, तो मैं कितना ब्याज बचा लूंगा या कितना मेरे को एक्स्ट्रा किस्तों में देना पड़ रहा है? जाहिर सी बात है कंपनी तो सीधा सीधा आपको ये बताएगी भैया ये लो, ये किस्त बन गई इतने महीने के, इतने रुपए हो गए। क्योंकि आपके मन सवाल आएगा ना किस्तों पे ना लूं तो कितना मेरा कम पड़ेगा, मतलब कि कितना मैं ब्याज बचा लूंगा, वही सवाल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना आपने, तो यहाँ पे क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है आपको, आर ए एन आई, जिसमें आर आपके पास में 5,000 है, फिर आर ए एन, एन कितना है 30 मंथ दे रहे हो, एवरी मंथ दे रहे हो, और आई क्या है आपके पास में, आई अभी करेंगे इसको, इसका हिसाब किताब, ये बात समझ में आई पहले? चलिए तो मैं यहां पे आर लिख रहा हूं, आर क्या है मेरा 5,000 है, एन एन कॉस्ट बता रखा है 30 पेमेंट जानी है, तो 30 है, जितनी बार आप जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट को ही एन कहते हैं, 30 इंटरेस्ट इक्वल टू 12% पर ईयर। अब फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मुझे यहाँ पे एम निकालना पड़ेगा क्योंकि मैं मंथली पे कर रहा हूं, एक साल के अंदर अंदर पेमेंट होती है तो उसमें हमें एम कैलकुलेट करना होता है, जो कि हमारा ऊपर 12 एन डिवाइडेड बाय जितने टाइम ड्यूरेशन में इंटरवल में आप दे रहे हो, एक हर महीने दे रहे हो, तो 12 एन आई इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आपका 12%, तो 0.12 डिवाइड बाय 12, ठीक है बच्चे, आई इक्वल्स टू 0.1। ना ये आपका वन आएगा आई। अब सॉल्व करें इसको, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, पी इक्वल्स टू आर ब्रैकेट वन माइनस वन प्लस आई रेज टू पावर 1 प्लस आई रेस टू पावर माइनस एन अपॉन आई, पी इक्वल्स टू आर
वन माइनस 1.01 0.01 रेस टू पावर माइनस एन, माइनस एन मतलब कि आपके पास में माइनस एन, एन आपके पास में क्या है बच्चे 30। ओहो यहां नहीं यूज होगा माइनस 30। पी को सो कहेंगे माइंड में कोई चीज आ जाती है पढ़ाते पढ़ाते भी तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। वन माइनस वन अपॉन 1.01 रेस टू पावर 30 अपॉन 0.01 दिस वन एंड पी इक्वल्स टू, अगर आपको इस इंस्टॉलमेंट पे ब्याज नहीं देना तो इसकी परसेंट वैल्यू निकाल लो वन अपॉन, सॉल्व करते हैं 1.01 इंटू 1.3478491 अपॉन 0.01 एंड परसेंट वैल्यू ऑफ 5000 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 1 माइनस सॉल्व करते हैं उसको 1 डिवाइडेड बाय 1.3478491 दिस 0.7419 7419 2292 2292 इतना ही इनफ है 0.01 एंड पी इक्वल्स टू 5000 सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 0.7419 2292 2292 डिवाइडेड बाय 0.01 25.8077708 पी इक्वल्स टू इंटू 5000 1290038.54 अगर आप इसको इस किस्तों को किस्तों में ना देकर के अगर आप कैश में देते तो उसमें से इंटरेस्ट हटा दीजिए तो आपके पास में इतना आपको कैश पेमेंट पड़ता। तो कह रहे कितना ब्याज आप दे रहे हैं, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं आप, इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपए तो आपको किस्तों पे पड़ रहा है ये, और किस्तों पे नहीं ले तो कैश में लेंगे तो आपके पास में इतने का पड़ेगा इंटरेस्ट आपका। वन लाख 50,000 माइनस 1290038038.54 तो आपका इंटरेस्ट 20,961.46 रुपए एज अ ब्याज का भुगतान कर डालोगे आप ऐसे तो बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। तो बच्चे इस तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी के हर प्रकार के सवाल पे चर्चा की जा चुकी है, उम्मीद करता हूं क्योंकि एन्युटी का सवाल तो घूमेगा घूमेगा। तो ये हमने अभी एन्युटी ऑर्डिनरी एन्युटी के ऊपर बात की, अब हम जो डिस्कस करेंगे जब हम स्टार्टिंग में ही इंटरेस्ट पे कर देते हैं किसी टाइम इंटरवल के, वो आप अगली क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक से उसकी शुरुआत होगी, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्लीज इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कर लीजिए, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, ठीक है बच्चे। मिलते हैं फिर अगली क्लासेस।